फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज अप में इन मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में मे का प्रयोग किस प्रकार से होगा और हम इसे इंग्लिश स्पीकिंग में किस प्रकार यूज करेंगे, ये आपको सीखना है। आज आप इतनी टोटल स्ट्रक्चर सीखेंगे जो टोटल मे का प्रयोग इसमें किया गया है और इंग्लिश स्पीकिंग में हम अलग अलग तरीके से मे का प्रयोग कैसे करेंगे, ये आपको सीखना है। आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करना है ताकि आप मे को सही से समझ पाएँ। मे का प्रयोग कहाँ कहाँ करें, बिल्कुल जीरो पर चलते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब जहाँ भी संभावना का बोध कराना हो उसमें हम मे का प्रयोग करेंगे, लेकिन मे से संभावना कितना होगा, 50% मे से आप संभावना पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, 50% से ज़्यादा नहीं। अगर इससे अधिक के लिए आप चाहते हैं तो फिर कैन का प्रयोग करना होगा, लेकिन जहाँ पर 50% वाली बात है, कोई कार्य के होने की संभावना मात्र 50% है, उसमें आप सिर्फ मे का ही प्रयोग करेंगे तो बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी में, जहाँ पर क्षमता का बोध कराना हो, फिजिकल स्ट्रेंथ का बोध कराना हो, क्या उसमें मे का प्रयोग करेंगे, नहीं होगा, और इसके लिए इसमें क्रॉस। एबिलिटी मीन्स योग्यता, योग्यता बताने के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, और इसके लिए क्रॉस। परमिशन में मे का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, और इसलिए हम परमिशन में टिक लगाए हैं, ओके होगा। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत बताने के लिए, आवश्यकता बताने के लिए मे का प्रयोग करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, और इसके लिए क्रॉस। सजेशन देने और लेने में मे का प्रयोग करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, और इसके लिए क्रॉस। तो मे का प्रयोग करेंगे कहाँ कहाँ, एक पॉसिबिलिटी मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए, और दूसरा परमिशन आज्ञा लेने के लिए या फिर आज्ञा देने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एक स्ट्रक्चर को सही से सीख लेते हैं ताकि इसके आगे हमें कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी इसमें नहीं हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं यूज ऑफ मे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मे भी और उसके साथ वर्ब फॉर और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका यूज करेंगे कहाँ, जिस प्रकार आप टेंस में कंटिन्यूअस पढ़ते हैं उसी प्रकार मे बी में कंटिन्यूअस की तरह होगा। जैसे मे बी प्लस वी फोर, इसमें इसका हिंदी लिखेंगे रहा होगा, मतलब इसमें प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का बोध होता है। जैसे वह खा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा, मतलब अभी कोई कार्य कर रहा होगा, और इसके लिए हम इसे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी वर्तमान काल में संभावना को व्यक्त करने के लिए मे बी प्लस वी फोर का यूज करेंगे। ही मे बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। ही सी मे बी, सी मे नॉट बी कमिंग, वह नहीं आ रही होगी। सी मे बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी। ही मे बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए मे बी प्लस वी फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस मे हैव और प्लस वी थ्री, इसका मतलब क्या होगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, इसमें कोई कार्य अभी हो गया होगा, तो या होगा। हिंदी समझने के लिए हम लिखेंगे या होगा, जैसे ही मे हैव रन अवे, वह भाग गया होगा। शी मे नॉट हैव ईटन, वह नहीं खाई होगी। ही मे हैव स्टोलन माई पेन, उसने मेरा कलम चुरा लिया होगा। ही मे नॉट हैव टोल यू, उसने तुम्हें नहीं बतलाया होगा। समझेंगे सही से, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में दो कार्य हो रहा है, एक तो कंटिन्यूअस के बारे में बता रहे हैं कि कोई कार्य हो रहा होगा, और दूसरा बता रहे हैं कि वो कार्य हो गया होगा। तो इन सभी को जुबान पे रखना है ताकि इंग्लिश बोलते समय या फिर लिखते समय आप आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ में मे हैव टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ मे हैव के साथ में आपको इन्फिनिटिव का यूज करना है। इन्फिनिटिव मीन्स क्या होता है, टू प्लस वी वन। अगर आप टू के साथ में वी वन का यूज करते हैं और ये जहाँ भी यूज किया जाए ये सब इन्फिनिटिव ही बोलेंगे। तो आपको सीखना क्या है, मे हैव टू प्लस वी वन, मे हैव के साथ में इन्फिनिटिव, और हिंदी इसका क्या होगा, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है,
अब इसमें भी आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और कंपल्सन की मजबूरी भी बता रहे हैं, एक व्यवस्था भी बता रहे हैं कि आपको कोई कर्ज करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू स्टे हियर, आपको यहाँ ठहरना पड़ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ऐसा करना पड़े, लेकिन उसमें मजबूरी छिपी हुई है, व्यवस्था छिपी हुई है। और नेक्स्ट है, शी मे हैव टू मैरी दिस ईयर, उसे इसी वर्ष शादी करना पड़ सकता है, एक आवश्यकता का बोध हम बता रहे हैं लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, इसी साल ऐसा करना पड़ सकता है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इस साल उसे शादी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, यू मे नॉट हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ सकता है, अगर आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ सकता है तो मे नॉट, याद रखेंगे कि आप मे और हैव के बीच में ही नॉट का प्रयोग करेंगे, और वर्ब से पहले तो टू आना ही है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, जैसा भी सेंटेंस हो, लेकिन जब इन्फिनिटिव का यूज करना है तो वर्ब से पहले टू का आना ही है। नेक्स्ट है, मे यू हैव टू स्टे हंग्री, क्या आपको भूखे रहना पड़ सकता है, स्टे हंग्री का मतलब भूखा रहना भी आप बोल सकते हैं, स्टे फिट का मतलब स्वस्थ रहना, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मे यू हैव टू स्टे हंग्री, क्या आपको भूखा रहना पड़ सकता है, तो आप ये भी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मे हैव टू का प्रयोग करते हैं जिसमें व्यवस्था भी छिपा हुआ है। नेक्स्ट है, बहुत ही आसान और जो पहले से आप जानते होंगे, मे बी के साथ में नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, हो सकता है के लिए, पॉसिबिलिटी करने के लिए, बताने के लिए, और बी का मतलब बनना, होना या रहना होता है, तो यहाँ पर इस सेंस में यूज कर सकते हैं, ही मे बी और डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, अगर आपको बोलना है वह डॉक्टर हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह सामने जो खड़ा है वह डॉक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है, शी मे बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकती है, जिस प्रकार बोल रही थी लगता है वह ईमानदार हो सकती है। नेक्स्ट है, यू मे नॉट बी पुअर, तुम गरीब नहीं हो सकते हो, मतलब हम अपने पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि तुम गरीब नहीं हो सकते हो। आई मे नॉट बी योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता हूँ, तो इस तरह से आप पॉसिबिलिटी और परमिशन का तो भी बताने, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए आप इतने तरीके से प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी देख लीजिए ताकि मे का प्रयोग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। चलिए और एक एक करके इन सभी को भी देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में ये सभी स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर है सब्जेक्ट मे बी प्लस वी थ्री, मे बी और वी थ्री का मतलब यह है पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म में इसका मतलब होगा किया जा सकता है, कोई कार्य किया जा सकता है, जैसे ही मे बी टॉट इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है, और पैसिव फॉर्म में जाने की क्रिया हिंदी में तो जरूर लगा रहता है, जैसे उसे पढ़ाया जा सकता है, खिलाया जा सकता है, सुलाया जा सकता है, कुछ भी जाने की क्रिया जरूर लगा रहेगा क्योंकि क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। नेक्स्ट है, शी मे बी टोल्ड दिस मैटर, उसे यह बात बतलाई जा सकती है। यू मे नॉट बी हेल्प, तुम्हें मदद नहीं किया जा सकता है। मे आई बी हेल्प, क्या मुझे मदद किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे है प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पर पसेशन का बोध कराने के लिए कि आपके पास कोई सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी वस्तु के स्वामी हो सकते हैं, और इसके लिए मे है प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे कुछ होने के लिए, जैसे यू मे हैव मच मनी, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है। मे ही हैव एवरीथिंग, क्या उसके पास सब कुछ हो सकता है। शी मे हैव अ हाउस, उसके पास एक घर हो सकता है। ही मे हैव नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कुछ पसेशन बताने के लिए, कुछ अधिकार का बोध कराने के लिए आप मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है और इसे समझने का प्रयास कीजिए, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन और नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन,
इसका मतलब हुआ ऑपरेटिव सेंटेंस में श्राप देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, कामना करने के लिए आप मे का प्रयोग इस प्रकार यूज कर सकते हैं। जैसे मे ही डाई सून, मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए, श्राप देते हैं लोग, गुस्सा से बोलते हैं। उसके बाद मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे वह दीर्घायु हो, वह ज़्यादा दिन तक जिए, उसकी लंबी उम्र हो, और इसके लिए मे ही ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह लिखना है, मे प्लस कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे आप। मे ही पास एग्जाम, भगवान करे वह परीक्षा पास कर जाए, एक कामना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा करें। अब क्या है यहाँ पर ध्यान देना होगा, मे का प्रयोग हटा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन यहाँ पर सेंटेंस है जिसे याद रखना पड़ता है, गॉड ब्लेस यू, और मे उसमें हिडन होता है, यहाँ पर ये मे हिडन रहता है। जैसे कई सेंटेंस बीच में आते हैं और उसमें आप मे को हिडन भी कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। नेक्स्ट है मे आई हैव, और अब इसको समझना ज़रूरी है, ऐसा लगता है कि जैसे ये सेम लग रहा है, लेकिन अगर कुछ मांगना हो, जैसे क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा, अगर मांगना है कोई चीज़ प्रेम से, पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर मे आई हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे ग्लास पानी मिलेगा, ये सब स्पेशल रूल है और इसे याद रखना ज़रूरी है क्योंकि लोग इसका यूज करते हैं। तो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे ग्लास पानी मिलेगा, या फिर मे आई हैव योर हेल्प, क्या मुझे आपकी मदद मिलेगी। तो कुछ भी मांगना है पोलाइटली तो आप मे आई हैव का यूज़ कर सकते हैं। मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर मोबाइल, तो आप कुछ मांग सकते हैं मे आई हैव करके। तो चलिए अब बारी है आपसे एक सवाल करते हैं और देखते हैं मे का प्रयोग आपने ठीक से समझा या नहीं। तो चलिए आज का सवाल है, भगवान करे आप दीर्घ आयु हो, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे का प्रयोग इसमें कैसे करेंगे। एक ही सेंटेंस है, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, या फिर भगवान करे आप दीर्घायु हो, एक ही हुआ मतलब, और इसे आप कैसे लिखेंगे अभी हम देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, अभी इसको ट्रांसलेट करके लिखिए और देखते हैं आप सही लिखें या गलत, आपके एक एक कमेंट को हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सीखने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।